लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, बल्कि बहन जी ने नौकरियां भी दिलवाई। तो क्या लगता है अगर वो कुनबा इकट्ठा हो जाएगा तो 400 पार होगी बीजेपी, या 400 से पहले ही खत्म हो जाएगी? क्या कहना चाहेंगे? इतने सांसद हैं, दलितों के ऊपर मूत्रकांड हो जाता है, सोशल बच्चे को बटके से पानी नहीं पीने दिया जाता, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, शादी नहीं होने दी जाती है, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है, ना ही बाल नहीं काटता है, लेकिन जो दलित सांसद है वह जरा सी भी अपने मुंह से आवाज नहीं निकालते हैं, जबकि वोट से, उन्हें दलितों की वोटों से वो जीते होते हैं। कहना चाहेंगे किस नजरिए से आप देखते हैं? क्यों नहीं, आवाज दमदारी से उठती है दलितों की, सबसे ज्यादा संख्या में है, लेकिन उनके जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वो आज भी ताकत से नहीं करते। गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलित समाज को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मिले, दलित समाज के लोग विधायिका में आए या नौकरियों में आए, गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। और जो बाबा साहब अंबेडकर ने एक किताब लिखी है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, उसमें एक वाक्य लिखा है, इस किताब में बाबा साहब ने कांग्रेस और गांधी के चरित्र के बारे में लिखा है जी। और उसमें एक वाक्य लिखा है कि 1932 या 36 के आसपास जो है मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे वो तब से सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था मध्य प्रदेश, तो उसमें मिस्टर खरे नाम से एक चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मिनिस्टर बना दिया जी। इस बात पे कांग्रेस बहुत नाराज हुई और खास करके बापू जी गांधी, और नाराज किस लिए हुए, उन्होंने गांधी जी खरे को दिल्ली बुलाया, अपने पास बुलाया और बोला कि खरे आपने बहुत बड़ी गलती की है। तो खरे साहब ने बोला कि क्या गलती की है आप बताइए, उन्होंने बोला कि तुमने एक अछूत को जो है मिनिस्टर बना दिया कैबिनेट में। वो बोला साहब बापूजी वो बहुत होनहार आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी है, पढ़ा लिखा है, उसके तो मिनिस्टर बनने से हम अच्छी सरकार चला पाएंगे। तो गांधी ने बोला नहीं ये गलत है, अगर एक अछूत कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा तो इससे अछूतों में मिनिस्टर बनने की चाहत पैदा हो जाएगी जी। तो गांधी इतने प्रोग्रेसिव थे, इतने ज्यादा जातिवादी थे कि वो ये नहीं चाहते थे कि एक अछूत जो है वो मिनिस्टर बनने की, उसके अंदर कुछ अच्छा बनने की चाहत पैदा हो जाए, वो इसके खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने उनके निर्देश पे उस समय कांग्रेस पार्टी थी, वो कैसे चुनाव में किन लोगों का सिलेक्शन करती, उसका उन्होंने एक आधार बताया था कि अगर वो शेड्यूल ट्राइब से है, अगर वो शेड्यूल कास्ट से है तो ऐसा व्यक्ति चुनो जिसका कोई आत्मसम्मान न हो, वो अपने आत्मसम्मान के बारे में न जानता हो। अगर वो ओबीसी से है तो ऐसा चुनो जो सबसे कम पढ़ा लिखा हो जी। अगर वो सवर्ण समाज से है तो उसमें जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, उसको चुनो। तो जब चुनाव ही आपके समाज से सबसे नकारे आदमी का हो रहा है तो वो चुन तो लिया जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो चुन जाता है, वो चुन तो लिया जाएगा, लेकिन वो समाज का सबसे नकारा व्यक्ति है तो नकारा व्यक्ति आपके समाज की कभी भी शान बन नहीं सकता, वो आपकी आवाज कभी भी उठा नहीं सकता है। तो ये एक आपको जो है ये आपको देखने को मिलता है कि कांग्रेस बीजेपी जैसी पार्टियों या आम आदमी पार्टी जैसे या समाजवादी पार्टी में रहने वाले सांसद विधायक वो कभी भी समाज की आवाज नहीं उठा पाते, वो बड़े मंत्री तो बन जाते हैं लेकिन समाज के मामले में वो एकदम मौन धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज, उनको मनाया ही इसलिए गया है क्योंकि वो समाज के सबसे नकारे व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने इस तरह का उनको मार्गदर्शन दिया है कि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब से कैसे व्यक्ति को बनाना है। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि पूना पैक्ट हो और उनको मजबूर किया गया पूना पैक्ट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब अंबेडकर ने एक प्लान बनाई थी कि जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट में शेड्यूल कास्ट से चुना जाएगा वो कैसे कैसा व्यक्ति चुना जाएगा। तो उन्होंने उस समय कांग्रेस इस बात के लिए एग्री थी कि कोई भी जनरल इलेक्शन होगा उसके पहले एक प्राइमरी इलेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए बुलंदशहर की सीट जो है वो सुरक्षित है तो उसपे पहले चुनाव होना, एक महीने पहले चुनाव होगा, केवल शेड्यूल कास्ट के लोग अपना नुमाइंदा चुनेंगे और उसमें से जो टॉप फोर होंगे
जो ऊपर से चार लोग सबसे ज्यादा मत पाएंगे उन्हीं को अगले जो आम इलेक्शन होगा उसी में कोई भी पार्टी एक आदमी को टिकट दे सकती है, मतलब जितनी भी पार्टियां हैं वो उनको इन्हीं चार में से टिकट देना था। लेकिन कांग्रेस ने इस मैकेनिज्म को कभी अडॉप्ट नहीं किया। क्यों? अगर मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट के लोग अपने चार सबसे होनहार प्रति जो कैंडिडेट को चुनते और सारी पार्टियों को उन्हीं को टिकट देने की बाध्यता होती तो आप समझ सकते हैं कि पार्टियों किसी भी पार्टी से तब व्यक्ति जो है चुनाव लड़ता वो पार्टी से ज्यादा समाज के प्रति जिम्मेदार होता, वो समाज के लिए लॉयल होता। लेकिन ये जो स्थिति है इसको काउंटर किया कांग्रेस पार्टी ने, जिसके कारण आज जो सबसे ज्यादा समाज के खिलाफ है, समाज के खिलाफ भेदिये का काम करता है ये पार्टियां, उसको जो है टिकट देती हैं और उसको जो है आगे बढ़ाती हैं। इसलिए ये किसी भी पार्टी में चले जाएं, इनमें ये स्वाभिमान के साथ जी नहीं पाते हैं, स्वाभिमान के साथ रह नहीं पाते हैं, न अपने स्वाभिमान के साथ न समाज के स्वाभिमान के साथ। यही कारण है कि एक व्यक्ति को तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। ये तो आजकल की बात है कि एक शेड्यूल कास्ट को तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने डिप्टी सीएम बनाया और उसको जानबूझ के जमीन पे बिठाया और वो अपनी जो है इस बात को एसर्ट नहीं कर पाया कि मैं चीफ डिप्टी सीएम होते हुए, मैं एक समाज का नुमाइंदा होते हुए, मैं मेरे साथ ये भेदभाव नहीं किया जा सकता। वो आपको ये जो देखने को मिला, इसलिए वो सुविधाओं में उसकी कमी नहीं है लेकिन उसका स्वाभिमान मरा हुआ है और मरे हुए स्वाभिमान से एक जानवर ही रह सकता है, एक इंसान नहीं रह सकता। तो ये जो प्लान है जो कांग्रेस की, बीजेपी की, समाजवादी की, ये प्लान ये है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी में से मरे हुए लोगों का, जिनका स्वाभिमान मर चुका है, ऐसे लोगों को राजनीतिक एजेंडे के तहत क्या है प्रोपोगेट करने का। तो इसलिए जो है इस समाज से लोग दिखते तो हैं, सर्टिफिकेट तो इन समाज का होता है लेकिन स्वाभिमान उनका बिल्कुल न, वो अपना स्वाभिमान उनकी पहचान होती है न समाज की स्वाभिमान की पहचान होती है। इसलिए उनके साथ जो किया जाता है वो क्या है, जैसे जानवर के साथ जो किया जाता है वो जानवर सह लेता है, वैसे राजनीति में इनके साथ जो किया जाता है ये वो सह जाते हैं। तो ये जो मनुवादी पार्टियों का जो प्लान है ये उसी का एक रिजल्ट है, जिसके कारण शेड्यूल कास्ट की सीटों से चुने गए लोग अपाहिज की तरह अपना जीवन जीते हैं, अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। इसीलिए माननीय साहब ने स्वतंत्र, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने बताया है कि स्वाभिमान से जीने के लिए आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, चाहे वैचारिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे धार्मिक रूप से। इसीलिए माननीय साहब ने बहुजन समाज को इंडिपेंडेंट बनाया है और उनके लिए इंडिपेंडेंट पार्टी, इंडिपेंडेंट नेतृत्व और हर तरीके की व्यवस्था की है, जो आज माननीय बहन जी उसको आगे बढ़ा रही है। और जो लोग चरित्र के साथ नहीं, जिनका स्वाभिमान मरा हुआ है, वो बहन जी पे भी सवाल खड़ा कर सकते हैं, वो सवाल उनका नहीं होता है, उनके मालिकों का सवाल होता है। जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है, इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया, आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप किस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला, हरिचंद ठाकुर,
ज्ञान दीत छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है, आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट, बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।